हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 कर रहे थे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दैट इज रेस्पिरेशन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दैट इज लेक्चर 7 में। और इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग इस चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 का लाइफ प्रोसेस का मैंने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक जो भी टॉपिक था दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग, ठीक है, वो भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे चैप्टर 6 का तो आप लोग हर एक टॉपिक अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, उसको मैंने एज ए प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर दैट इज 3 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा चैप्टर का हर एक टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, और मैंने आप लोगों को क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 भी एक्सप्लेन किया है, और जितना भी एनसीईआरटी चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 10 का भी अच्छे से सीखना है कॉन्सेप्ट वाइज तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सीखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है दैट इज फूड का डाइजेशन, ठीक है, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, या ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी। हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो ब्रेक होके क्या हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, टू गिव एनर्जी दैट इज रेस्पिरेशन। जो भी खाना ब्रेक होता है, जो भी खाना ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद एट लास्ट हमें क्या देता है, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज से हमको क्या मिलता है, एनर्जी। ठीक है, वो ग्लूकोज क्या होता है, सेल में जाके ब्लड के थ्रू वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या था, वो ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एट लास्ट हम लोग क्या मिलता है, ग्लूकोज। ठीक है, और वो ग्लूकोज जो मिलता है वो ब्लड के साथ मिक्स होके वो हमारे हर एक बॉडी सेल में जाता है, और जाने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का हेल्प से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम लोग, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन दो टाइप का था, मैंने आप लोगों को समझाया था एरोबिक रेस्पिरेशन एनरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक हमेशा याद रखिएगा, यहां पे हमेशा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन को बोलेंगे दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा यहाँ पे। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, अब यहाँ पे फूड जो ब्रेक होगा, ठीक है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, और एनरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला पॉइंट आपको, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दैट इज ये जो फूड होगा इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, फूड जो ब्रेक होगा उसको ऑक्सीजन चाहिए ब्रेक करने के लिए फूड को, लेकिन यहाँ पे जो फूड होगा उसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है दैट इज वाटर अब ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज क्या होता है, पूरा ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक करने के बाद आपको क्या प्रोड्यूस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, CO2 एंड H2। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जब ग्लूकोज पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, दैट इज एल्कोहल और लैक्टिक एसिड NCO2, और यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में, जब हमारा सपोज जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और
कोई भी अगर मान लो आप लोग दौड़ रहे हो, ठीक है, तो दौड़ते समय क्या होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड जमता है, जिसके वजह से आपका जो ज्वाइंट पेन होता है ज्वाइंट, ठीक है, वहां पे पेन होता है, ठीक है, जिसके वजह से आपका बॉडी में, सपोज एक पर्सन है जो क्या होता है रेगुलरली एक्सरसाइज, एक पर्सन है जो क्या करता था, दैट इज कल सपोज उसने एक्सरसाइज किया, ठीक है, अब उसके अगले दिन उसने एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या होगा, उसके बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो गया, क्यों, बिकॉज जब भी कोई काम करते हैं ना हम लोग, कोई भी अगर कोई भी हम लोग ऑर्गेन को मूव करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से वहां पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद वहां पे क्या होता है, दैट इज आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, अब नेक्स्ट, इट ऑकर्ड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल, अब ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ये हमेशा प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है, ठीक है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बैक्टीरिया में होता है और ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, याद रखिएगा, ये होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, दैट इज फूड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इसमें होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, लेकिन इन दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, बैक्टीरिया में और मसल सेल्स में, ठीक है, अब नेक्स्ट, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड, मतलब यहां पे ये है, यहां पे ये पॉइंट ये समझा रहा है, दैट इज अब इस पॉइंट में आपको ये समझा रहा है कि दैट इज फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज, ग्लूकोज का, तो ये ब्रेक होके ना, ये आपका दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक होके आपको कितना देगा, दैट इज 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी देगा, और मैंने आप लोग को एटीपी समझा दिया है, तो कृपया आप लोग इसका पिछला वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए, ताकि एटीपी आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को, ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, इसको मैंने बोला था करेंसी सेल, एनर्जी करेंसी सेल, जो क्या करता है एनर्जी को स्टोर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी को, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितना देगा आपको, 38 मॉलिक्यूल एटीपी देगा, हर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज आपको कितना देगा, 38 मॉलिक्यूल एटीपी, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जब फूड ब्रेक होगा, फूड ब्रेक मतलब क्या, ग्लूकोज ब्रेक होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या देगा, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी, मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा हर एक ग्लूकोज, ठीक है, अब यहां पे फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये आपको क्या देगा, दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, तो ये आपको क्या करेगा, ये सिर्फ टू ही मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेगा एटीपी, ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को जो केमिकल रिएक्शन है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का वो सिखाता हूं, हम लोग सीखते हैं दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो यहां पे जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज हम लोग जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे जो ग्लूकोज था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ या ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद आपको क्या प्रोड्यूस किया, दैट इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है,
ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज अकेला है और ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ब्रेक होने के बाद क्या दिया आपको, लैक्टिक एसिड दिया, दैट इज C3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आपको क्या दिया, ATP, जो कि एनर्जी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से, दैट इज केमिकल रिएक्शन अच्छे से, एरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया दैट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन भी समझाया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को जो बचा है नया टॉपिक, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।